नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। बेबाक में हम रखते हैं बेबाकी से तमाम बातें, तथ्यों के साथ, रिसर्च के साथ। जो भी बात होती है वो होती है आंकड़ों के साथ। तो चलिए बेबाक की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम किस मसले पर बेबाकी से करने वाले हैं बात। बेबाक के अपने आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से बात किसानों की होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसला किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बातें किसानों की मांगों से जुड़ी हुई नहीं होने वाली। आज हम बेबाकी से बात करेंगे उस एक वोट बैंक की जिसे किसान कहा जाता है। जी हां, किसान वोट बैंक, जिसे साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। 2019 और 2014 इन दोनों लोकसभा चुनावों में एनडीए, जिसकी सरकार इस वक्त केंद्र में है, उसे किसानों का कितना साथ मिला, यह समझना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ बेबाक में आज क्या कुछ है आपके लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, तो किसान कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बात करेंगे कि क्यों देश का किसान एक नहीं है। वहीं आपको बताएंगे कि देश के सभी राज्यों में कितने बड़े और छोटे किसान हैं। और आखिर में बताएंगे कि कैसे किसानों का आंदोलन और तेज होगा। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। आज बेबाक में जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो है एनडीए को मिला 2014 और 2019 में किसानों का साथ, किस तरीके से यह आंकड़ा बढ़ा था और किन किन प्रदेशों में यह आंकड़ा घटा था। इस रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले जिस रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो है नरेंद्र तोमर का बयान, जिसमें वो सीधे तौर पर गेंद किसानों के पाले में है ऐसा कह रहे हैं, और सरकार किन किन मसलों पर संशोधन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यकीन मानिए, इनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसान चाहते थे। लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, तो बातचीत करने को तैयार। प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। किसानों और सरकार के बीच पांच दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज भी कर दिया, लेकिन सरकार आज भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, कानून में संशोधन के लिए तैयार है। और इसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि सरकार ने प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव किसानों के पास है। किसानों ने प्रस्ताव को खारिज किया, ये भी मीडिया से हमें पता लगा, पर अब भी यूनियन को कुछ कहना है तो सरकार से बातचीत की जा सकती है। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो मैंने भी कल प्रेस कल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं, इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। किसानों की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव पर नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि किसानों की तरफ से बातचीत के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया, अगर कोई प्रस्ताव आता है तो जरूर हम बात करेंगे। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार। किसान और सरकार के बीच ना बनती बातचीत के बीच भी नरेंद्र सिंह तोमर का अगला बयान बेहद जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आशावान हूँ इस मसले का हल जरूर निकलेगा। किसानों को गतिरोध को तोड़ना चाहिए, सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, किसानों को जरूर वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा,
मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है। और कोई भी कानून मैं जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है, और जो आपत्ति उनकी ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है, और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करने करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। अब सबसे बड़े सवाल के जवाब की तरफ रुख करते हैं। कृषि मंत्री से सवाल था कि क्या सरकार कानून वापस ले सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है, तो कृषि मंत्री ने जो कहा वो बेहद जरूरी था कि सरकार क्या सोचना भी चाहती है कि इनमें से कोई कानून वापस हो जाए। नहीं, देखिए सवाल इसका है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो बरसों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, कि जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। किसानों की कई मांग है जिसे सिलसिलेवार तरीके से सुनने और समझने की जरूरत है, और ये भी समझना और सुनना जरूरी है कि सरकार और कृषि मंत्री का जवाब किसानों के मुद्दे पर क्या है। किसानों की मांग, सरकार का जवाब। मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020। फसल की कीमत तय करने को लेकर विवाद संभव। विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठा सकती है। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी कि न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा, तो हम जुडिशियली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते। पराली पर जुर्माने से नाराज किसान। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी जिसकी वजह से कालाबाजारी बढ़ सकती है। जो ट्रेडर है आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के वाले में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है उसका हम समुचित समाधान आपके हिसाब से करेंगे। किसानों को नामंजूर बिजली बिल 2020। फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। किसानों को सब्सिडी खत्म हो जाएगी। बिजली के मामले में उनका जो आग्रह था तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भाई कुल मिलाकर जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था रहेगी, और हम लोग उस दिशा में बातचीत करेंगे। एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आश्वस्त किया, एमएसपी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी, एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है। इन सभी मांगों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील करते हुए कहा, आंदोलन से दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आप आंदोलन को खत्म कर दीजिए। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अभी तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, न सरकारी संपत्ति का और न लोगों का, इस बात का ध्यान भी किसानों को रखना है। आशा करता हूँ कि किसान भाइयों ने अभी तक आंदोलन को अनुशासित बनाकर रखा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको है। सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और जनता की परेशानी ये न हो, यह भी चिंता यूनियंस को करनी चाहिए और इस जिम्मेवारी को भी यूनियन को महसूस करना चाहिए।
वहीं कृषि मंत्री ने न्यूज़पेपर की एक कटिंग को दिखाते हुए कहा किसानों की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसानों की मांग एपीएमसी की हो सकती है, लेकिन ये डिमांड किसानों की हो ही नहीं सकती। आंदोलन में हो रही पोस्टरबाजी के लिए मैं किसान नेताओं के यूनियनों से कहना चाहता हूं कि इससे बचें, क्योंकि ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। किसानों पर एक बार फिर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और हर चीज पर बात करने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। अब किसानों के हाथ में है कि वो बात करना चाहते हैं या आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। है उस रिपोर्ट से आपको रूबरू कराने का, यानी कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से आपको रूबरू कराने का। और उसमें बेबाक की टीम ने जो रिसर्च किया है वो ये कि 2014 में किसानों का किस तरीके से साथ मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यानी कि एनडीए की सरकार को, और किस तरीके से 2019 में एनडीए की गवर्नमेंट जब बनी तो किसानों ने कितना साथ दिया था इस गठबंधन को। जरा देखिए, उतार चढ़ाव भी समझिए और साथ ही साथ ये भी समझिए कि किन दो प्रदेशों में बीजेपी को 2019 की तुलना में 2014 में ज्यादा साथ मिला था। दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन का जोर है, क्योंकि सरकार के साथ 5 बैठक फेल होने से किसान नाराज हैं। पिछले कई दिनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद सरकार ने कानूनों में संशोधन करने का फैसला लिया। लेकिन किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत पूरे चरम पर है। बात करें 2019 की, तो लोकसभा चुनाव के दौरान हमने ग्रामीण संकट और किसानों का गुस्सा उफान पर देखा था। फिर भी एनडीए ने कई राज्यों में किसानों के बीच अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाबी हासिल की, जिनमें पंजाब और छत्तीसगढ़ अपवाद थे। 2014 और 2019 के दौरान एनडीए का 8% वोट शेयर बढ़ा था। चलिए आपको बताते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में कितने किसान और किस तरीके से किसान दिखे थे। सबसे पहले समझते हैं 2014 से 2019 में एनडीए का वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ा और किन किन प्रदेशों में बढ़ा। हरियाणा में 2014 में एनडीए को 41% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 58%, जबकि 2019 में 58% वोट प्रतिशत रहा एनडीए का। पंजाब में 2014 में एनडीए का वोट प्रतिशत 35 रहा था, जबकि 2019 में ये बढ़कर 37 हुआ। बिहार में 2014 में एनडीए का वोट प्रतिशत 39 रहा था, जबकि 2019 में ये बढ़कर 53 हो गया। उत्तर प्रदेश में 2014 में एनडीए का वोट प्रतिशत 43 रहा था, जबकि 2019 में बढ़कर ये 51% हो गया। गुजरात में 2014 में एनडीए का वोट प्रतिशत 59 था, जबकि 2019 में बढ़कर ये 62% हो गया। राजस्थान में 2014 में एनडीए का वोट प्रतिशत 55 था, तो वहीं 2019 में ये बढ़कर 61 हो गया। 2014 में उत्तराखंड में एनडीए का वोट प्रतिशत 55 था, जबकि 2019 में ये बढ़कर 61 हो गया। मध्य प्रदेश में 2014 में एनडीए का वोट प्रतिशत 54 था, जबकि 2019 में बढ़कर यह 58 हो गया। महाराष्ट्र में 2014 में एनडीए का वोट प्रतिशत 51 था और 2019 में भी ये 51 ही रहा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2014 में एनडीए का वोट प्रतिशत 49 था, जो बढ़कर 2019 में 51% पहुंच गया। आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2014
और 2019 में एनडीए को किसानों का कितना वोट प्रतिशत मिला? हरियाणा में 2014 में एनडीए को 31% किसान वोट मिला था, जबकि 2019 में 59% किसान वोट मिला। बिहार में एनडीए को 2014 में 37% किसान वोट मिला था, जबकि 2019 में ये 50% हो गया। उत्तर प्रदेश में 2014 में 42% किसानों ने एनडीए को अपना वोट दिया था, जो बढ़कर 2019 में 54% हो गया। गुजरात में 2014 में 55% किसानों ने एनडीए पर भरोसा जताया था, जबकि 2019 में ये घटकर 52% हो गया। राजस्थान में 2014 में 54% किसानों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया, जबकि 2019 में 60% किसानों ने। 2014 में उत्तराखंड में 60% किसानों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया, जबकि 2019 में 65% किसानों ने। मध्य प्रदेश में 2014 में 55% किसानों ने एनडीए को वोट दिया, जबकि 2019 में 59% किसानों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया। महाराष्ट्र में 2014 और 2019 में कोई फर्क देखने को नहीं मिला। 2014 में भी 54% किसानों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया था और 2019 में भी। छत्तीसगढ़ में 52% किसानों ने 2014 में एनडीए के पक्ष में वोट किया था, जबकि 2019 में यह आंकड़ा नीचे आया और 46% किसानों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया। पंजाब में 2014 में 52% किसानों ने एनडीए को अपना समर्थन दिया था, जबकि 2019 में 20% कम यानी 32% किसानों ने एनडीए को अपना सपोर्ट दिया। दरअसल आने वाले चुनाव में विपक्ष किसानों के मुद्दे को भुनाना चाहता है, इसलिए 24 विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रखा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नए कृषि कानूनों को लेकर भोले भाले किसानों को विपक्ष ने ही भड़काया है, जिसके बाद यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबको इंतजार था छठे दौर की बैठक का, जिससे उम्मीद थी कि सरकार से किसानों की बात बनेगी और मामला निपट जाएगा, लेकिन सरकार कानूनों में संशोधन करना चाहती है, जबकि किसान कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, जिसको लेकर रद्द बनने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। तकरीबन जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो ये कहते हैं कि किसानों की संख्या, उसको समझ पाना कुछ इस तरीके से जरूरी है कि बड़ा किसान कौन है और छोटा किसान कौन है, बड़े किसानों को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है और छोटे किसानों को किस तरीके से समझा जाता है, कितनी जमीन होगी तो बड़े किसान हो जाएंगे और कितनी जमीन होगी तो वो छोटे किसान हो जाएंगे, बड़े किसानों का साथ क्या छोटे किसानों को मिलता है, किसान क्या एकजुट हैं। आंदोलन में तो बिखराव की स्थिति होती ही है, लेकिन आंदोलन से इतर जब विकास की बात आती है कि क्या बड़ा किसान छोटे किसान को साथ लेकर चलता है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों की आबादी का बड़ा तबका मौजूद है। और बात करें देश में किसानों की श्रेणी की, तो ये खेती की जमीनों के जरिए पता लगती है। जिस किसान के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, वहीं 1 या 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। आपको बता दें कि बड़े किसानों की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। उन्हें न सिर्फ अपनी पूरी जमीन का बेहतरी से इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि छोटे किसानों को भी अपने कृषि लाभ से जोड़कर चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बड़े किसान छोटे किसानों का शोषण करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि छोटे किसानों को बड़े किसानों के साथ मिलकर खेती करनी चाहिए और मिलकर ही अपनी उपज बेचनी चाहिए। वैसे भी छोटे किसान निजी कंपनियों को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते, उन्हें आपस में मिलकर ही कृषि सुधारों का फायदा लेना होगा। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि देश में बड़े किसान किस राज्य में मौजूद हैं, जबकि छोटे किसान किस राज्य में हैं। राजस्थान में बड़े किसान 45%, जबकि छोटे किसान 10%। पंजाब में 42% बड़े किसान और 7% छोटे किसान। हरियाणा में 40% बड़े किसान और 15% छोटे किसान हैं। दिल्ली में 6% बड़े किसान हैं और 35% छोटे किसान हैं। गुजरात में 7% बड़े किसान और 30% छोटे किसान। मध्य प्रदेश में 8% बड़े किसान और 45% छोटे किसान हैं।
महाराष्ट्र में 7% बड़े किसान हैं, तो वहीं छोटे किसानों की संख्या 35% है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल में 5% बड़े किसान और 55% छोटे किसान हैं। पश्चिम बंगाल में 6% बड़े किसान और 75% छोटे किसान हैं। उत्तराखंड में बड़े किसानों की संख्या 4% है, जबकि 65% किसान छोटे हैं। उत्तर प्रदेश में 4% बड़े किसान और 69% छोटे किसान। ओडिशा में 3% बड़े किसान हैं, जबकि 65% किसान छोटे हैं। बिहार में बड़े किसानों की संख्या 1% है, तो 80% किसान छोटे हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ही बड़े किसानों की संख्या ज्यादा है, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। वहीं बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। वहीं माना जाता है कि किसानों पर जो भी मार पड़ती है वो छोटे किसानों पर ही पड़ती है, जिससे छोटा किसान और ज्यादा कर्जदार हो जाता है। लेकिन सरकार के मुताबिक नए कृषि कानूनों के तहत छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेबाक के अपने सफर को एक बार फिर से आंदोलन पर लेकर के आते हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से की जाने वाली बातें, कृषि मंत्री की तरफ से किए जाने वाले दावे और सिंघू बॉर्डर से किसानों की तरफ से की जाने वाली प्रेस वार्ता, इन तमाम बातों को अगर हम देखें तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं तमाम बातें, और जिसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि आंदोलन और बढ़ेगा, आंदोलन और तेज होगा। तो आंदोलन जब तेज होगा तो उसका सीधे तौर पर खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि दिल्ली के निवासियों को इस आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़े, जिसका जिक्र कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री भी। देखिए आंदोलन किस तरीके से आगे जा सकता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान कानून रद्द करने से कम कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने तल्ख लहजे में कह दिया कि केंद्र सरकार उन्हें गुमराह कर रही है, ऐसे में आंदोलन और तेज होगा। 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसानों ने बैठक की, जहां 12 और 14 दिसंबर के कार्यक्रमों के लिए रणनीति बनाई गई। 12 और 14 के लिए सब उसके बारे में सारी चर्चा हुई है, 12 का प्रोग्राम और 14 का प्रोग्राम, इसके अलावा कुछ नहीं। वहीं इस दौरान किसानों में 2 गुट भी नजर आए, जहां पंजाब के किसानों ने कहा कि टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। जो आप वो टिकरी बॉर्डर की बात करते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं, वो अलग है। जयपुर रोड बंद करने के लिए 14 डीसी ऑफिस के सामने ओते धरने होंगे और बीजेपी के लीडर से करांगे धरने होंगे और रिलायंस के जो अदारे ने उन्होंने दा टोल प्लाजा बंद करवाना था। ऐसे में सवाल उठता है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों में एकमत नहीं है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ सकता है। वहीं किसानों की बैठक में फैसला लिया गया कि रेल रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं है और ना ही फिलहाल मंत्रियों के घर का घेराव किया जाएगा। नहीं अभी नहीं कुछ वो उसमें नहीं बातचीत का न्योता मिला है आप लोगों को सरकार की तरफ? नहीं अभी कोई नहीं, जब मैसेज देंगे तो उसके बाद। आपने अपना रिटर्न जवाब दे दिया जो प्रस्ताव भेजा गया था? नहीं वो बात हो चुकी खत्म, हमने वो रिजेक्ट कर दिया, उसका जो नोट था। अरे भाई बात नया रिटर्न आएगा, दे चुके हैं सब कुछ। रेल का कोई हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, रेल रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं। 5वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद 6ठे दौर की बैठक से जो उम्मीदें थी वो अभी तक बरकरार हैं। किसानों ने 9 दिसंबर को होने वाली 6ठे दौर की बैठक में पहुंचने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बैठक में कोई भी बात नहीं बन पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही।
अब आपसे सोमवार के दिन कुछ और मुद्दों और कुछ और मसलों के साथ हम मिलेंगे, आपको फिर से बेबाकी से बताएंगे कि आखिर अलग अलग चीजों को लेकर हम ना इधर की बात करते ना उधर की बात करते, सिर्फ बेबाकी से बात करते। पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।